दोस्तों, आज हम जानेंगे वॉइस के बारे में। दोस्तों, वॉइस किसी जॉब को पकड़ने की एक युक्ति है, साधन है, जिसके द्वारा हम जॉब को कसते हैं और अच्छे से उस पर पकड़ बनाए रखते हैं। आइए देखते हैं वॉइस का परिचय। किसी जॉब को बनाते समय सही स्थिति में मजबूती से पकड़ने के लिए जिस साधन का उपयोग किया जाता है उसे वॉइस कहते हैं। इसके द्वारा जॉब को पकड़कर उस पर फाइलिंग, मशीनिंग, स्क्रैपिंग, ड्रिलिंग और रिमिंग आदि संक्रियाएं की जा सकती हैं। इसकी साइज इसके जबड़ों की चौड़ाई से लिया जाता है। अब देख लेते हैं दोस्तों वॉइस के प्रकार। कार्य के अनुसार वॉइस 7 प्रकार की होती है। नंबर 1 बेंच वॉइस, नंबर 2 मशीन वॉइस, नंबर 3 पाइप वॉइस, नंबर 4 लेग वॉइस, नंबर 5 हैंड वॉइस यानी हस्त वॉइस, नंबर 6 पिन वॉइस और नंबर 7 कारपेंटर वॉइस। आइए जानते हैं बेंच वॉइस के बारे में। दोस्तों, बेंच वॉइस के भी 4 प्रकार होते हैं। एक होती है साधारण बेंच वॉइस, एक होती है स्वीवेल वॉइस बेंच वॉइस, एक होती है क्विक रिलीज बेंच वॉइस और एक होती है कॉम्बिनेशन बेंच वॉइस। आइए जानते हैं साधारण बेंच वॉइस के बारे में। इसे समांतर जबड़ा वॉइस भी या वॉइस भी कहा जाता है। दोस्तों, इसके जबड़े समांतर में ही खुलते हैं और बंद होते हैं, इसलिए इसको समांतर जबड़ा वॉइस कहते हैं। इसकी देह ढलवा लोहे की यानी कास्ट आयरन की बनी होती है तथा नट और बोल्टों की सहायता से इसे वर्क बेंच पर कस दिया जाता है। इसमें जॉब अथवा कार्यखंड को बांधकर फाइलिंग, स्क्रैपिंग, चिपिंग आदि संक्रियाएं की जा सकती हैं। वर्क बेंच में फिट करते समय जमीन से बेंच वॉइस के ऊपरी सतह तक की ऊंचाई लगभग 1 मीटर होनी चाहिए अथवा ऊपरी सतह कारीगर की कोहनी की ऊंचाई के बराबर होनी चाहिए, जबकि कारीगर अपनी भुजा को मोड़कर हाथ की उंगलियों को ठोड़ी से लगाकर खड़ा हो। ये आप देख रहे हैं, इस पोजीशन में खड़ा हो या तो इसकी कोने की ऊंचाई के बराबर होनी चाहिए या फिर इसकी 1 मीटर का निर्धारण किया गया है। यदि बेंच वॉइस की ऊंचाई कारीगर की कोनी से अधिक या कम होने पर जॉब टेपर में बनेगा अर्थात ठीक नहीं बनेगा। यदि ऊंचाई सही होगी तो समतल और सही जॉब बनेगा। इसका साइज इसके जबड़ों की चौड़ाई से लिया जाता है। आइए देखते हैं बेंच वॉइस के भागों के नाम और धातु। दोस्तों, बेंच वॉइस का हैंडल, वॉशर, नट बोल्ट और पिन तथा स्पैंडल माइल्ड स्टील के बनते हैं। इसमें स्पैंडल ही पूछा जाता है ज्यादातर कि बेंच वॉइस का स्पैंडल कौन सी धातु का बना होता है, तो माइल्ड स्टील का, फिक्स जा और मूवेबल जा कास्ट आयरन की, दोनों जा प्लेट ये भी आया हुआ है। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में बार बार पूछा जाता है ये क्वेश्चन। ये हाई कार्बन स्टील की बनी होती है इसकी दोनों जा प्लेट। एक चीज का याद रखना, अगर जा पूछे तो खाली डलवा लोहा, अगर जा प्लेट पूछ ले तो हाई कार्बन स्टील। गाइड नट हमेशा गनमेटल या पीतल ब्रास का बनेगा, गनमेटल ही याद रखें आप। स्प्रिंग स्टील की बनेगी। आप देखते हैं नंबर 2 स्वीवेल बेंच वॉइस। इस प्रकार की वॉइस में अलग से एक आधार लगा होता है जिससे पूरी वॉइस को इसके आधार पर एक पूरे वर्त के रूप में घुमाया जा सकता है। इसकी बात कर रहे हैं दोस्तों, यहाँ पे लगा होता है एक अलग से। इसमें किसी जॉब को बांधकर आवश्यक स्थिति में इसमें दोनों तरफ लगा सकने वाले लीवरों से क्लैंप किया जा सकता है। इस वॉइस में जॉब को एक बार बांधकर इसकी घुमाऊ युक्ति द्वारा जॉब को विभिन्न सतहों पर फाइलिंग आदि की जा सकती है। इस प्रकार की वॉइस का उपयोग टूल रूम में किया जाता है। आइए नेक्स्ट देखते हैं क्विक रिलीज बेंच वॉइस। दोस्तों, इस प्रकार की वॉइस में स्पैंडल के साथ लगे हुए लीवर को दबाकर चल जबड़े को सीधा खींचा और धकेला जा सकता है, यानी चूड़ी कसने और खोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसको सीधा धकेल दिया, बंद हो जाएगा, उसके बाद एक चूड़ी घुमाई लॉक हो जाएगा और इसकी एक चूड़ी घुमाई उसके बाद सीधा खींच लो आ जाएगा बाहर। इस वॉइस के स्पैंडल में बटरस चूड़ियां कटी होती हैं जो एक आधे नट यानी हाफ नट के साथ काम करती हैं। इसके लीवर को दबाने पर आधा नट नीचे दब जाता है और स्पैंडल में से उसका संबंध हट जाता है। इस प्रकार की वॉइस का उपयोग कारपेंट्री शॉप यानी बढ़ाई शाला में अधिक किया जाता है। आइए देखते हैं कॉम्बिनेशन बेंच वॉइस। यह साधारण बेंच वॉइस की तरह ही होती है। अंतर केवल इतना है कि इसके समांतर जबड़े के नीचे इसमें वी आकार के जबड़े लगे होते हैं। इसमें लगे वी आकार के जबड़े भी हाई कार्बन स्टील या टूल स्टील के बने होते हैं। दोस्तों, इस जबड़े के नीचे
वी आकार में जबड़ा और लगा होता है, ऐसे। इन वी जबड़ों में गोल छड़, पाइप आदि को बांधकर कटिंग, थ्रेडिंग आदि संक्रियाएं की जा सकती हैं। बड़े जॉब को इस वॉइस में बांधने के लिए पाइप जबड़ों को आसानी से खोला जा सकता है। इसके वी जबड़े को पाइप जबड़ा भी कहते हैं। दोस्तों ये जो वी जबड़ा बन रहा है इसका, इसको पाइप जबड़ा भी कहते हैं। ये दोस्तों इसमें क्या है कि हम पाइप आसानी से फंसा सकते हैं इसमें भी, है ना। कोई मतलब ज़्यादा बड़ा पाइप नहीं होना चाहिए, थोड़ा छोटा, उस पाइप को हम इसमें कस सकते हैं। इसको पाइप मतलब पाइप जबड़ा बोलते हैं साधारण भाषा में। आइए नेक्स्ट देखते हैं मशीन वाइज। मशीन पर कार्य करते समय जॉब को अच्छी तरह से पकड़ने के लिए जिस वाइस का प्रयोग किया जाता है उसे मशीन वाइस कहते हैं। यह वाइस मशीन की मेज यानी मशीन टेबल पर बांधी जाती है और इस प्रकार की वाइस के जबड़े समांतर में खुलते हैं। इस वाइस में जॉब या कार्य को पकड़कर मिलिंग, शेपिंग, स्लॉटिंग, ड्रिलिंग आदि संक्रियाएं की जा सकती हैं। दोस्तों ये तो शायद आपने नहीं की होगी, लेकिन ड्रिलिंग तो मेरे हिसाब से सबने की होगी जब ITI करने गए होंगे। तो जो पोर्टेबल ड्रिल मशीन होती है, सॉरी साधारण ड्रिल मशीन होती है जो फिक्स होती है, जब हम उसमें ड्रिल करते हैं तो उसके नीचे ऐसी ही वाइस लेते हैं, मशीन वाइस का ही उपयोग करते हैं और इसी से ड्रिल करते हैं जॉब को पकड़कर। आइए देखते हैं नेक्स्ट मशीन वाइस के प्रकार। दोस्तों मशीन वाइस भी चार प्रकार की होती है। एक होती है साधारण मशीन वाइस, एक होती है स्वीवेल मशीन वाइस, एक होती है यूनिवर्सल मशीन वाइस और एक होती है वर्टिकल मशीन वाइस। आइए जानते हैं इनके बारे में। साधारण मशीन वाइस, इसको समांतर जबड़ा मशीन वाइस भी कहते हैं। इस मशीन वाइस का प्रयोग सबसे अधिक किया जाता है। इसे मशीन की मेज पर बोल्टों की सहायता से कसने के लिए इसके ठोस आधार पर खांचे बने होते हैं। इस मशीन वाइस का उपयोग ड्रिलिंग, मिलिंग आदि संक्रियाओं में करते हैं। आइए देखते हैं नेक्स्ट स्वीवेल मशीन वाइस। इस प्रकार की मशीन वाइस का आधार घूमने वाला होता है जिसके ऊपरी देह घूमती है। ये ऊपर की जो बॉडी है, ये वाली जो, ये इतनी बॉडी जो है ये घूम जाती है। आप यहाँ देख सकते हैं चूड़ी सी दिख रही होगी आपको, ये घूमती है। इसकी देह को क्लैंपिंग बोल्टों की सहायता से किसी भी कोणीय अवस्था में क्लैंप किया जा सकता है। इसके आधार के साथ बॉडी को समायोजित यानी एडजस्ट करने के लिए इसके घूमने वाले आधार पर अंशांकित पैमाना बना होता है। इस प्रकार की मशीन वाइस का उपयोग जॉब को इसमें बांधकर किसी भी कोणीय अवस्था, ड्रिलिंग, मिलिंग आदि संक्रियाएं की जा सकती हैं। आइए नेक्स्ट देखते हैं यूनिवर्सल मशीन वाइस। इस मशीन वाइस में भी स्वीवेल मशीन वाइस की तरह जॉब या कार्यखंड को एक बार बांध लेने के बाद उसके अनेक पृष्ठों की विभिन्न कोणों पर मशीनिंग की जा सकती है। इस वाइस को क्षैतिज तल यानी हॉरिजॉन्टल सरफेस में घुमाने के अतिरिक्त ऊर्ध्वाधर तल यानी वर्टिकल सरफेस में भी समायोजित किया जा सकता है। इसको नीचे ऐसे हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों ही स्थितियों में हॉरिजॉन्टल भी हो जाएगी, वर्टिकल भी हो जाएगी, है ना। और जैसे भी आप चाहो जॉब को पकड़कर इसमें रख सकते हैं। इसको संयुक्त सतहों यानी कंबाइंड सरफेस की मशीनिंग के लिए आसानी से प्रयोग किया जा सकता है। इस मशीन वाइस का प्रयोग वहां किया जाता है जहां किसी जॉब में भारी कट लगाने की आवश्यकता हो। इस मशीन वाइस का अधिकतर उपयोग टूल रूम में ही किया जाता है। आइए नेक्स्ट देखते हैं वर्टिकल मशीन लाइन वाइस। यह मशीन वाइस बनावट के और प्रचलन दोनों में ही साधारण मशीन वाइस की तरह होती है। अंतर केवल इतना है कि इसके जबड़े क्षैतिज हॉरिजॉन्टल नहीं होकर ऊर्ध्वाधर यानी वर्टिकल होते हैं। ये जो जबड़े हैं ऊर्ध्वाधर नहीं होते, ये हमेशा ऐसे ही होते हैं, वर्टिकल होते हैं। इस मशीन वाइस का उपयोग उन उत्पादों या जॉबों को पकड़ने के लिए किया जाता है जिनके सिरों पर मिलिंग संक्रिया करनी होती है। तो दोस्तों ये थी अपनी आज की क्लास। आप सबको पसंद आई तो कृपया अपने दोस्तों को शेयर कर दें जिससे और भी स्टूडेंट इसका लाभ उठा सकें। वीडियो को पूरा देखने